हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। तो आज से हम टाइमली अपनी स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। तो 7 o'clock हो गया है, आप सबको फिर गुड मॉर्निंग। और आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड सैम का पेपर नंबर सेकंड। तो जिन लोगों के कुछ वीडियोस छूटे हुए हैं या पहली बार ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करें, क्योंकि 10 वीडियोस इस पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो यहाँ हम आ गए हैं पहले क्वेश्चन पेपर पे। स्वराज्य पार्टी को निम्नलिखित में से किसका समर्थन प्राप्त नहीं था? तो जो स्वराज पार्टी को जो समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वराजियों के प्रयास से केंद्रीय विधानमंडल में मुंडी मैन समिति की स्थापना किस कार्य के लिए की गई? तो ये कार्य था 1919 के अधिनियम की जांच के लिए की गई थी। स्वराजियों ने सरकार द्वारा स्थापित किन समितियों में कार्य किया? तो ये कार्य इनका किया गया है स्क्रीनिंग कमेटी और प्रोजेक्शन कमेटी 1924। स्वराज्य पार्टी अपनी पराकाष्ठा पर कब थी? जब कांग्रेस ने अपना समस्त राजनैतिक कार्य स्वराज पार्टी को हस्तांतरित कर दिया, तो 1925 में। वह ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी के कौन से नेता सरकार के साथ सत्ता में भागीदार तथा सुधारों के समर्थक थे? तो ये हो जाएगा ओ एम सी केलकर और ब एम आर जयकर। स्वराज पार्टियों के कुछ नेताओं द्वारा सत्ता में भागीदारी समर्थन के विरोध में निम्न में से किसने पार्टी छोड़कर पृथक स्वराज कांग्रेस पार्टी की स्थापना की? तो पृथक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में पब्लिक सेफ्टी बिल का प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो ये 1928 में पेश हुआ है। किस स्वराजी नेता ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा हमला तथा भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी है? तो ये थे मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। क्रांतिकारी आतंकवाद का द्वितीय चरण कब से कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 1922 से 1928 का जो चरण माना जाता है वो माना जाता है क्रांतिकारी आतंकवाद का द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो ये कारण जो बना था वो था विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यानी कि विदेशों में भी जो स्वतंत्रता के लिए कार्य होते थे उन घटनाओं का प्रभाव था। दूसरा हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की का स्थगन। उन्होंने जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन जो समाप्त किया तो वो भी एक कारण बना था। निम्न में से कौन उत्तर भारत में सक्रिय क्रांतिकारी नहीं थे? तो सक्रिय क्रांतिकारी जो नहीं थे वो थे सूर्य सेन। नेक्स्ट आ जाते हैं, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये कानपुर में स्थापित हुआ था। क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे जो शामिल नहीं था वो हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सान्याल, और जो शामिल थे वो भी देख लेते हैं। योगेश चटर्जी शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इसमें शामिल थे। एच आर ए के सदस्यों के बीच क्रांति के प्रति चेतना जागृत करने वाली पुस्तक बंदी जीवन काफ़ी लोकप्रिय थी, इसकी रचना किसने की? तो ये रचनाकार थे सचिंद्र नाथ सान्याल। काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन जा रहे सरकारी खजाने को एच आर ए के सदस्यों ने लूट लिया था। तत्कालिक काकोरी सीथक था, तो ये था, सॉरी ये पे जो मिस्टेक दिया है, स्थित नहीं होगा, स्थित होगा,
तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन जा रहे सरकारी खजाने को HRA के सदस्यों ने लूट लिया। तात्कालिक काकोरी स्थित था, तो ये स्थित है लखनऊ और सहारनपुर संभाग में। 100 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस का वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच गया? तो चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी के संगठन की स्थापना हुई थी, तो वह संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट बाद में जुड़ गया था, पहले जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, और 1928 में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। HSRA की पहली क्रांतिकारी गतिविधि क्या थी? तो पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की थी, वह ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स, जिसने साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करवाया था, की हत्या 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर किसके द्वारा की गई थी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु यानी सभी के सभी सम्मिलित थे। HSRA के किन सदस्यों ने अपने को गिरफ्तार करवाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? तो ये बम फेंकने वाले थे और वह हो जाएगा मतलब सरदार भगत सिंह और वह बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया, तो उस समय किस बिल पर सदन में बहस हो रही थी? तो जो बिल था वो हो जाएगा सौ ऑप्शन यानी कि अ और ब दोनों ही हम ले लेंगे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, तो यानी दोनों के दोनों ही हो जाएंगे। HSRA के गिरफ्तार क्रांतिकारियों के ऊपर किस षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया? तो वो षड्यंत्र था लाहौर षड्यंत्र केस के तहत चलाया गया। जेल में बंद क्रांतिकारियों को राजनीतिक कैद का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे किस क्रांतिकारी की 64 दिन की लगातार भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हुई थी? तो ये थे जतिन दास हो जाएंगे, 100 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण किस जेल में मृत्यु हुई थी? तो ये हो जाएगा लाहौर में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और अगर किसी तरह का आपको करेक्शन इनकरेक्ट दिखता है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम इस तरह का वीडियो आसानी से अपलोड करें तो आपको इन वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।